मम्मी जी काट तो रहा हूँ, तुम्हें क्या बताऊँ, पानी में तो दराती भी नहीं चल पा रही है ठीक तरीके से। अरे काटने में बहुत ज्यादा दिक्कत और बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, इसीलिए आराम आराम से काट रहा हूँ मैं धान के पेड़ को। मेरे बेटे राहुल, ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, काटने में तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, मगर अपनों को काटना तो हाथ से ही पड़ेंगे, हाथ से ही तो कटेंगे धान, वरना ये कैसे कटेंगे, किसी और चीज से कटेंगे तो ये सारे धान बेकार हो जाएंगे अपने खेत के। मेरे बेटे राहुल, तुम्हें तो पता ही कितनी मेहनत से अपनों ने ये किसानी करी थी, धान के पौधे लगाए थे, इसीलिए जल्दी जल्दी आराम आराम से हाथ से काट लिए। मोदी जी आप इधर से उधर बार बार कैसे चक्कर लगा रहे हो, आप अपने खेत पे देखने के लिए नहीं गए, आपका खेत कैसा है, पानी में डूबा है या नहीं डूबा है। राहुल जी तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारा खेत तो इतनी ऊंचे पे था फिर भी आपके खेत में पानी आ गया, और मेरा खेत तो खल्ले में, अरे वो तो पूरा डूबा पड़ा है। आप मेरे साथ में चलो मेरा खेत कटवा दो पहले चलकर, वरना मेरे सारे धान बेकार हो जाएंगे। मोदी जी आप भी हमारे पास में आयो, योगी जी, अखिलेश जी और केजरीवाल जी को आप अपने साथ में ले जाओ धान कटवाने के लिए, वो आपके खेत में से धान कटवा देंगे, क्योंकि अभी तो मुझे भी अपना खेत काटना है पूरा। सोनिया जी उन तीनों के घर पे होके तो ही आ रहा हूँ मैं, पहले उन्हीं के तो घर पे गया था मगर वो मुझे घर पे मिले ही नहीं, शहर गए शहर काम करने के लिए वो लोग। सोनिया जी ऐसा करते हैं, पहले आपका खेत मैं कटवा देता हूँ फिर आप मेरा खेत कटवा देना, इससे आपका भी काम हो जाएगा और मेरा भी जल्दी काम हो जाएगा फिर। मोदी जी ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पहले आप हमारा खेत कटवा दो फिर हम आपका खेत कटवा देंगे, बस दोनों के खेत कट जाएंगे, आपका भी काम हो जाएगा मेरा भी काम हो जाएगा मिल बांट के। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।